स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी असम, डी बिहार। आंसर बी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। ये गिद्ध एशियन किंग वल्चर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये प्रजाति 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। अगला प्रश्न। 2024 ICC T20 विश्व कप के इतिहास में वेस्ट इंडीज के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर ड्वेन ब्रावो को किसने पीछे छोड़ा? ए केरोन पोलार्ड, बी जसेन होल्डर, सी आंद्रे रसेल, डी सुनील नरेन। आंसर सी आंद्रे रसेल। एक्सप्लेनेशन, आंद्रे रसेल ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़ते हुए T20 विश्व कप इतिहास में वेस्ट इंडीज के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 ओवरों में 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इन 2 विकेटों के साथ रसेल ने T20 विश्व कप के इतिहास में अपने विकेट की संख्या 29 कर ली। ये किसी भी वेस्ट इंडीज गेंदबाज द्वारा लिया गया सबसे ज्यादा विकेट है। इससे पहले ये रिकॉर्ड ड्वेन ब्रावो के नाम था, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 27 विकेट लिए थे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने ICC T20 विश्व कप 2024 सुपर 8 में वेस्ट इंडीज टीम को हरा दिया। अगला प्रश्न। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। आंसर डी बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बांग्लादेश के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद घोषणा की कि भारत चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। इसके अलावा बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रंगपुर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की पहल की है। बांग्लादेश नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के लिए महत्वपूर्ण भागीदार है। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी जेपी नड्डा, सी शिवराज सिंह, डी गिरिराज सिंह। आंसर बी जेपी नड्डा। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने इस अभियान के लिए लोगो, पोस्टर, रेडियो स्पॉट और ऑडियो विजुअल जैसी ICC सामग्री भी जारी की। इस अभियान का उद्देश्य बचपन में होने वाली डायरिया से बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है। अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? ए तंजानिया, बी आर्मेनिया, सी उज्बेकिस्तान, डी UAE। आंसर ए तंजानिया। एक्सप्लेनेशन, विशेषज्ञों के अनुसार नेट्रॉन झील पर राजहंसों फ्लेमिंगोज की आबादी लगातार घट रही है। इसके पीछे प्रतिकूल मौसम और अतिक्रमण को कारण बताया गया है, जिससे पक्षी कम संख्या में वापस लौट रहे हैं। नेट्रॉन झील उत्तर तंजानिया में केन्या की सीमा पर स्थित एक खारे पानी की झील है। यह एक रामसर साइट भी है।